हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेडिक्शन ड्रीम 11 में। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के बीच में सेकेंड T20 मैच खेला जाएगा। ये मैच खेला जाएगा लॉडरेल फ्लोरिडा के ग्राउंड में। इस ग्राउंड की जो पिच रहती है वो बैट्समैन एंड बॉलर्स दोनों को बराबर सपोर्ट करती है। इस ग्राउंड का जो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर रहता है वो रहता है 162 का और सेकेंड इनिंग का रहता है 117 का। तो आपको इस मैच में 150 प्लस या 160 प्लस स्कोर आपको आसानी से देखने को मिल सकता है। बात करने वाले लास्ट मैच के रिजल्ट के बारे में, तो वेस्ट इंडीज़ ने अपना जो फर्स्ट T20 मैच था बांग्लादेश के ही खिलाफ 7 विकेट से आसानी से विन कर लिया था। बात करने वाले वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11 की और साथ ही में लास्ट मैच के प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के बारे में, तो DREAM11 कुछ खास नहीं कर पाए, 2 रन बना के आउट हो गए थे। आंद्रे फ्लेचर ने बनाए थे 7 रन, मार्लो सैमुअल्स ने बनाए थे 26 रन। आंद्रे रसल बहुत अच्छी बैटिंग की थी और ऊपर बैटिंग करने का इनको मौका मिला था, 35 रन बने थे और बॉलिंग से भी एक विकेट लिया था। रोमन पोवेल ने बनाए थे 15 रन। दिनेश रामदिन जो टीम के विकेट कीपर है इनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। कार्लोस ब्रेथवेट जो टीम के कैप्टन है लास्ट मैच में इनको कोई भी विकेट नहीं मिला। एस लेनर्स को मिले थे 2 विकेट। केसिक विलियम्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, 4 विकेट लिए थे। केमो पोल को मिले थे 2 विकेट और सैमुअल बद्री को लास्ट T20 मैच में कोई भी विकेट नहीं मिला। तो ये प्लेइंग 11 रही थी लास्ट मैच वेस्ट इंडीज के। बाकी जो खिलाड़ी बेंच में बैठे हैं, चार्विक वोल्टन और शेल्डन कोटल, ये 2 प्लेयर जो है बेंच में बैठे हैं। मुझे लगता है इस मैच में भी इन दोनों प्लेयर्स को जो मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने अपना जो फर्स्ट T20 मैच था बहुत ही अच्छे तरीके से 7 विकेट से विन किए। तो इसी प्लेइंग 11 के साथ में वेस्ट इंडीज़ ये मैच खेलना चाहेगा। बाकी अगर आप स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए खेलते हो और आप अपनी टीम में सेफ प्लेयर को पिक करना चाहते हो, तो आप उन्हीं प्लेयर्स को अपनी टीम में पिक करना जिस प्लेयर ने लास्ट मैच पर सबसे अच्छा परफॉर्म किया हो, जिससे आपका कोई भी प्लेयर मिस नहीं होगा। बाकी अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो तो आप कोई भी प्लेयर को अपनी टीम में पिक कर सकते हो, क्योंकि सारे प्लेयर जो है इस मैच के लिए एकदम सेफ रहने वाले हैं, अगर लास्ट टाइम में कोई प्लेयर इंजर्ड नहीं होता है। तो हम आगे बात करने वाले बांग्लादेश की प्लेइंग 11 की और साथ ही में लास्ट मैच के प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तमीम इकबाल जो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, लेकिन लास्ट मैच में 0 पे आउट हो गए थे। सोमे सरकार भी बिना खाता खोले 0 पे आउट हो गए थे। लिटन दास ने ठीक ठाक बैटिंग की थी, 24 रन बनाए थे। मुशफिकुर रहीम जो टीम के विकेट कीपर है ठीक ठाक बैटिंग की थी, 15 रन बनाए थे। शाकिबुल हसन जो टीम के कैप्टन है 19 रन बनाए थे, लेकिन बॉलिंग से इनको कोई भी विकेट नहीं मिला। महमूदुल्ला ने बनाए थे 35 रन और महमूदुल्ला साथ में बॉलिंग भी करते, लेकिन लास्ट मैच में इनसे बॉलिंग नहीं कराई गई थी। आरिफ उलक ने बनाए थे 15 रन। नाजमुल इस्लाम ने बनाए थे 7 रन, लास्ट मैच में नाजमुल इस्लाम को भी कोई भी विकेट नहीं मिला। मेहंदी हसन ने बनाए थे 11 रन, इनको भी कोई भी विकेट नहीं मिला। मुस्तफिजुर्रहमान ने बनाए थे 3 रन, बॉलिंग बहुत अच्छी की थी, 2 विकेट लिए थे। और रूबेल हसन को लास्ट मैच में मिला था 1 विकेट। तो ये प्लेइंग 11 रही थी लास्ट मैच में बांग्लादेश की। बात करते हैं जो खिलाड़ी बेंच में बैठे, अबू जायद, मोसादेक हुसैन, सबीर रहमान और अबू हैदर रोनी, ये कुछ प्लेयर जो है बेंच में बैठे। हम आगे बात करने वाले बांग्लादेश में के प्लेइंग 11 में चेंजेस के बारे में। तो यहाँ पे सौम्य सरकार का लास्ट मैच में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं रहा था, लेकिन 90% आपको इस मैच में सौम्य सरकार खेलता हुआ नजर आ जाएगा, लेकिन 10% जो है सौम्य सरकार इस मैच के लिए आपके लिए डाउटफुल हो सकता है। अगर यहाँ पे सौम्य सरकार नहीं खेलते तो सौम्य सरकार की जगह सबीर रहमान को टीम में मौका दिया जा सकता है। तो ये फर्स्ट चेंज बांग्लादेश अपने प्लेइंग 11 में कर सकता है। सेकेंड चेंज की बात करते हैं, यहाँ पे अरिफुल हक की जगह भी सौम्य सरकार को टीम में मौका मिल सकता है। तो ये दोनों प्लेयर आपके लिए इस मैच के लिए रिस्की हो सकते हैं। अगर आप स्मॉल लीग और हेड टू हेड की लीग खेलते हो तो आपको अपनी टीम में सौम्य सरकार, अरिफ उलक, इन दोनों प्लेयर को आपको अपनी टीम में पिक नहीं करना है। अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो तो आप इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो। बाकी सारे प्लेयर जो आपके लिए इस मैच के लिए एकदम सेफ रहने वाले, तो किसी भी प्लेयर को आप अपनी टीम में पिक कर सकते हो। अगर लास्ट टाइम में कोई प्लेयर इंजर्ड नहीं होता है तो आपका कोई भी प्लेयर मिस नहीं होगा। और कोई भी न्यूज आएगी प्लेयर्स के बारे में या प्लेयर्स के इंजरी के बारे में, तो आप एक बार मैच से पहले कमेंट सेक्शन बॉक्स जरूर से चेक कर लेना। हम आगे बात करने वाले कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के बारे में। तो तमीम इकबाल, शाकिबुल हसन, लिट्टन दास, मुशफिकुर रहीम, आंद्रे फ्लेचर, इवन लेविस, आंद्रे रसल और मार्लो सैमुअल्स, ये 8 प्लेयर आपके लिए बेस्ट रहने वाले स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के लिए। अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो और कुछ अलग करना चाहते हो तो यहाँ पे कार्लोस ब्रेथवेट, रोमन पोवेल पिछले मैच में ऊपर बैटिंग करने का मौका मिला था, महमूदुल्ला, सौम्य सरकार जो साथ में बॉलिंग भी कर लेते हैं, मेहंदी हसन मिराज, सैमुअल बद्री और दिनेश रामदिन, ये 7 प्लेयर आपके लिए बेस्ट रहने वाले ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के लिए। बाकी अगर आप अपनी टीम के हिसाब से जाना चाहते हो तो आप इनमें से किसी को कैप्टन और इनमें से किसी को वाइस कैप्टन, या आप इनमें से किसी को वाइस कैप्टन और इनमें से किसी को आप अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो। और खुद से
आप एक बेटर टीम बना के ड्रीम इलेवन और अदर सेफ में अच्छा अमाउंट विन कर सकते हो। और ये यहाँ से सारे प्लेयर जो आपके लिए 90% सेफ रहने वाले, अगर लास्ट टाइम में कोई भी प्लेयर इंजर नहीं होता है तो डाउट प्लेयर सिर्फ आपके लिए इस मैच में सौम्य सरकार दे सकते हैं, लेकिन 90% आपको सौम्य सरकार इस मैच में खेलता हुआ नजर आ जाएगा। और अगर आपको हर मैच के ऐसे ही कंटिन्यू फ्यूचर में वीडियो चाहिए तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, पास में जो बेल आइकन का बटन आपको उसे प्रेस करना होगा, तभी मैं जब भी अपने चैनल पे किसी भी मैच का वीडियो अपलोड करूंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो को आसानी से देख पाओगे। तो इसलिए बोलता हूं जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो, और इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को भी लाइक कर देना। हम आगे बात करने वाले हैं एक न्यू फैंटेसी ऐप के बारे में जिसका नाम है डगआउट। अगर आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डगआउट की लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे आपको क्लिक करना। लिंक पे क्लिक करने के बाद में आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद में आपको इस ऐप पे साइन अप करना है। तो अगर आप साइन अप करोगे और आप अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी और पैन कार्ड, ये तीनों चीज़ें अगर आप वेरीफाई करा लोगे तो आपको 50 रुपये का इसमें कैश बोनस मिलेगा। इस 50 रुपये के कैश बोनस के साथ आप कोई भी लीग जो है ज्वाइन कर सकते हो। हम इस वीडियो में डगआउट के बारे में बात करने वाले, इस ऐप के बारे में। इस ऐप में आप किसी भी मैच का जो है लाइव स्कोर देख सकते हो, जितने भी मैचेस खेले जाते हैं उन सारे मैचेस के इस ऐप में आप लाइव स्कोर देख सकते हो। हम बात करने वाले हैं जो मैच खेला जाएगा वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश के बीच में सेकेंड T20 मैच खेला जाएगा, इस टीम की हम बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि डगआउट में आप कैसे टीम बना सकते हो। यहाँ पे मैंने अपने टीम में पिक किया रुबेल हुसैन को, कार्लोस ब्रेथवेट, इवन लेविस, शाकिबुल हसन, आंद्रे रसल, मालो सेमुस और महमूदुल्ला। और मैंने अपनी टीम में पिक किया कैसे विलियम्स, तमीम इकबाल, आंद्रे फ्लेचर, मसफकीर रहीम और लिटन दास। इन प्लेयर्स को मैंने अपनी टीम में पिक किया है। यहाँ पर जो आपके सामने ये 100, 90, 90, 85 ये सारे जो है प्लेयर्स के क्रेडिट है, और इस ऐप में आपके पास क्रेडिट की कोई भी कमी नहीं रहेगी। आप किसी भी प्लेयर को अपने टीम में पिक कर सकते हो। तो ये इन्हीं 11 प्लेयर्स को मैंने अपने डगआउट की टीम में पिक किया है। बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के बारे में। तो इस ऐप में जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ है कि आपको इस ऐप में कैप्टन वाइस कैप्टन को पिक नहीं करना, आपको यहाँ पर पिक करना है। जैसे ईमेल लेविस के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप ईमेल लेविस को रिमूव करना चाहते हो अपनी टीम से तो आप रिमूव फ्रॉम 11 कर सकते हो। जो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये, तो यहाँ पे आपको लगता है ईमेल लेविस इस मैच में जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको ईमेल लेविस के यहाँ पे 1.5 गुना पॉइंट मिलने वाले हैं, जैसे हमें वाइस कैप्टन के मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे सिल्वर प्लेयर पे क्लिक करोगे तो, अगर आप यहाँ पे गोल्ड प्लेयर पे क्लिक करते हो तो आपको 2 गुना, जैसे ड्रीम इलेवन में हमें कैप्टन की पॉइंट मिलती है वैसे ही आपको 2 गुना पॉइंट मिलने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे प्लेटिनम प्लेयर पे क्लिक करोगे तो आपको 3 गुना जो है, अगर ईमेल लेविस परफॉर्म करेंगे तो आपको 3 गुना पॉइंट मिलने वाले हैं। तो ये तीनों जो है कैप्टन वाइस कैप्टन जैसे ड्रीम इलेवन में होते हैं वैसे इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन को आपको पिक नहीं करना है। आपको पिक करना है कौन सा प्लेयर जो है सिल्वर प्लेयर हो सकता है, कौन सा प्लेयर गोल्ड प्लेयर हो सकता है और कौन सा प्लेयर जो है प्लेटिनम प्लेयर हो सकता है, जिस इन प्लेयर्स के हिसाब से आपको जो है पॉइंट्स मिल सकें। और एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे कंफर्म कर दूँ कि आप इसमें रिसेंट परफॉर्मेंस भी देख सकते हो प्लेयर्स का, लास्ट के 10 इनिंग के रिसेंट जो है आप परफॉर्मेंस देख सकते हो कि लास्ट के 10 मैचों में ईवन लेविस ने जो है कैसा परफॉर्म किया, जिससे आपको टीम बनाने में आसानी होगी और आपको पता चल जाएगा कि ईवन लेविस फॉर्म में है या नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हो लास्ट के 10 इनिंग्स के रिसेंट इसमें आप परफॉर्म भी देख सकते हो और आप इसमें लाइव स्कोर भी देख सकते हो। तो मैंने अपने इस टीम में पिक किया ईवन लेविस को सिल्वर प्लेयर, शाकिबुल हसन को प्लेटिनम प्लेयर और मैंने यहाँ पे आंद्रे रसल को किया गोल्ड प्लेयर। हम यहाँ पे करते हैं टीम को सेव। टीम को सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कोई भी लीग आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी इसमें हेड टू हेड और स्मॉल लीग ही, ये दोनों ही लीग इसमें ओपन है क्योंकि ये नया ही ऐप है और अभी इस ऐप में कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है। तो अगर आप इसमें खेलोगे तो आप इसमें अच्छा अमाउंट विन कर सकते हो। मैं आपको न्यू ऐप के बारे में इसीलिए बताता हूँ क्योंकि अगर आप मेरे रेफरल कोड यूज़ करोगे किसी भी न्यू ऐप में तो आपको 50 रुपये का जो है कैश बोनस मिल जाएगा। इस 50 रुपये के कैश बोनस के साथ तो आप खेल सकते हो फ्री में। अगर आप अच्छा अमाउंट इन 50 रुपये के कैश बोनस के साथ अगर आप अच्छा अमाउंट विन करते हो तो आपको जो है फ्री में आपका फ़ायदा हो जाएगा। बाकी आप कोई भी लीग जो है ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इसमें प्रैक्टिस खेलना चाहते हो तो इसमें प्रैक्टिस लीग भी ओपन है। तो अगर आप प्रैक्टिस लीग खेलना चाहते हो तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ऐप की लिंक मिल जाएगी।
जिससे आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो और 100% ये लीगल ऐप। और कोई भी कन्फ्यूजन हो इस ऐप के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हो। बात करने वाले आगे ड्रीम इलेवन की टीम के बारे में, जो मैंने आपके लिए ड्रीम इलेवन की टीम बनाई है। इससे पहले जो मैच खेला जाएगा तमिलनाडु प्रीमियर लीग का लाइका कोए किंग और मदुरई पैंथर्स के बीच में, इन दोनों इस मैच का वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, आप चाहो तो देख सकते हो। और जो सेकेंड मैच खेला जाएगा नॉटिंघमशायर और वर्चर शाही के बीच में, इस मैच का भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, आप चाहो तो देख सकते हो। हम बात करने वाले हैं जो बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के बीच में सेकेंड T20 मैच खेला जाएगा। तो यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन के लिए आपके पास दोनों एकदम सेफ ऑप्शन दिए गए हैं, मुशफ़िकुर रहीम और दिनेश रामदीन। मैंने अपनी टीम में मुशफ़िकुर रहीम को पिक किया क्योंकि इनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो दिनेश कार्तिक से ऊपर है, दिनेश रामदीन से ऊपर है। वहीं बात करते हैं बैट्समैन सेक्शन की, तो मैंने चार बैट्समैन को पिक किए, तमीम इकबाल, मालो सेमुस, आंद्रे फ्लेचर और लिटन दास। इवन लेविस आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है। सबीर रहमान का मैंने आपको एक चीज़ क्लियर कर दिया, यहाँ पे सौम्य सरकार और सबीर रहमान इन दोनों में से किसी एक को मिल सकता है, और यहाँ पे अरीफ उल हक इन तीनों में से कोई एक इस मैच में, कोई दो इस मैच में खेल सकता है। चार ऑलराउंडर को मुझे लगता है इस मैच में भी मौका नहीं दिया जाएगा। वहीं बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, तो मैंने यहाँ पे तीन ऑलराउंडर को पिक किए, आंद्रे रसल, शाकिबुल हसन और मैंने यहाँ पे पिक किया कार्लोस ब्रेथवेट को। महमूदुल्ला का आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है और यहाँ पे रोमन पोवेल का आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है। यहाँ पे मुझे लगता है मोसादे हुसैन को इस मैच भी मौका नहीं दिया जाएगा। बात करते हैं वहीं बॉलिंग सेक्शन की, तो मैंने यहाँ पे रुबेल हुसैन, एस लेनेस और केमो पोल को पिक किया है। आपके पास मुस्तफिजुर रहमान, सैमुअल बद्री का आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, मेहंदी हसन का आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, सेल्डन कोटेल को आपको अपनी टीम में पिक नहीं करा। अगर आप ग्रैंड लीग में रिस्क लेना चाहते हो तो बात अलग है। केसरिक विलियम्स बहुत अच्छा आपके लिए पिक हो सकता है, लास्ट में भी चार विकेट केसरिक विलियम्स को मिले थे। यहाँ पे नाजमुल इस्लाम भी आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, आपको अपनी टीम में अबू हैदर और अबू जावेद को, इन दोनों को पिक नहीं करना है। ग्रैंड लीग में आप इन्हें पिक कर सकते हो। बात करते हैं वहीं कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के बारे में, तो मैंने अपने इस टीम में कैप्टन रखा शाकिबुल हसन को, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं, और वाइस कैप्टन मैंने बनाए तमीम इकबाल को, जो पिछले मैच में 0 पे आउट हो गए थे लेकिन ये भी बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। बात करते हैं फाइनल प्रीव्यू की, तो यही मेरी हर लीग का फाइनल प्रीव्यू रहने वाला, इसी टीम के साथ मैं हर लीग खेलने वाला हूँ। अगर आप इस टीम के साथ खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, बाकी अगर चाहते हो तो आप इस टीम में एक दो चेंज भी कर सकते हो, और कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप अपनी तरफ से इस टीम में चेंज करके खुद से आप एक बेटर टीम बना के ड्रीम इलेवन या अदर सेफ में अच्छा विन कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना, अगर चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।